फ्लिपकार्ट पे अगर आपने लिस्टिंग कर दी है और कीवर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो उन प्रोडक्ट को उतनी नहीं मिलने वाली है जैसा कि कीवर्ड्स के साथ मिलती है। कीवर्ड्स का जो फंक्शन है वो है कि प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाए और उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करे। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये एक मिस्टेक आपकी हो सकती है। आज की वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्लिपकार्ट कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेसिफिक मार्केट प्लेस, Amazon पर कीवर्ड्स लिखे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप Amazon हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। मीशो में अभी ऐसा कीवर्ड का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो चलिए सीधे फ्लिपकार्ट की बात करेंगे। कीवर्ड या फिर हम इसको कहते हैं सर्च टर्म्स। आपको भी पता है जब भी एक कस्टमर शॉपिंग करने जाता है कहीं भी मार्केट प्लेस पे तो वो कुछ ना कुछ लिख कर ही शॉपिंग करता है। तो जो ये वर्ड वो लिख कर शॉपिंग करता है इस वर्ड को हम सर्च टर्म या फिर कीवर्ड बोल सकते हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट को इन कीवर्ड्स पे या इन सर्च टर्म पे रैंक करना है तो आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल में भी ये कीवर्ड या सर्च टर्म अवेलेबल होने चाहिए। तो ये रहा कीवर्ड का कंसेप्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बिना कीवर्ड्स के उनके प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दिखेंगे, तो देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कीवर्ड्स एक फैक्टर है जिससे कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है और प्रोडक्ट को सही कीवर्ड पे प्लेस करा जा सकता है, बट सिर्फ कीवर्ड ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन आपने अपने दिमाग से हटा देना है। कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, उसके बाद भी वो अच्छा रैंक करती हैं। बट अगर कीवर्ड आप डालेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो एनहेंस होने वाली है। तो ये रहा कीवर्ड का कंसेप्ट। इसके अलावा आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट में कीवर्ड डालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या गलतियां हैं जिसको करके आप कीवर्ड डाल के भी अपने प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो सप्रेस कर जाते हैं। तो वन बाय वन हम पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं कि बेटर कीवर्ड्स कैसे डाले जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि कीवर्ड डलते कहाँ पर हैं और कैसे डलते हैं। तो देखिए, या तो आप नई लिस्टिंग में कीवर्ड डाल सकते हैं और या तो आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में भी कीवर्ड डाल सकते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब कीवर्ड डालने कहाँ होते हैं, तो जब भी आप प्रोडक्ट का कैटलॉग फाइल में फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक कीवर्ड्स या सर्च टर्म का ऑप्शन होता है, उसको आपने फिल करना होता है। 5 कीवर्ड इनफ होते हैं और 80 कैरेक्टर्स आप कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं डालना होता है। बट मेरे हिसाब से 5 कीवर्ड्स आर इनफ। 5 कीवर्ड्स आप डाल के अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप प्रोडक्ट को नया लिस्ट कर रहे हैं तो आप या तो सिंगल लिस्टिंग करेंगे या तो बल्क लिस्टिंग करेंगे। सिंगल करेंगे तो कीवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डायरेक्टली वहां पे कीवर्ड डालिए और अपने प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करिए, क्यूसी में डालिए। क्यूसी पास होने के बाद ही आपके कीवर्ड लाइव होंगे। बहुत सारे सेलर का मैं सुनता हूं कमेंट्स कि आपके कीवर्ड डिलीट हो गए हैं, तो वो क्यूसी पास नहीं हुए हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यूसी पास क्यों नहीं होते हैं, क्या गलतियां होती कीवर्ड्स डालते हुए। अब दूसरा तरीका है, आप बल्क में लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर बल्क फाइल डाउनलोड होती है, वहां पे सर्च टर्म्स में आपको कीवर्ड डालने होते हैं बट डबल डॉट से आपको उनको सेपरेट करना होता है, वहां पर आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में डालना चाहें तो वहां पर भी सेम एडिट कैटलॉग में जाके आप सिंगल लिस्टिंग में भी कीवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं या फिर कैटलॉग फाइल डाउनलोड करके आप सेम कैटेगरी में कीवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। कभी भी आप करें तो इसको क्यूसी पास करना होगा, क्यूसी पास नहीं होगा तो आपके कीवर्ड डिलीट कर दिए जाएंगे। अब वन बाय वन बात करते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है आपके प्रोडक्ट में कीवर्ड डालने। तो यहां पर मैं 4 बेस्ट तरीके की बात करूंगा कीवर्ड्स डालने के, 4 बेस्ट ट्रिक्स जो होती हैं। सबसे पहली चीज, आपको वो कीवर्ड में नहीं डालना है जो आप ऑलरेडी कैटलॉग में टाइटल में मेंशन कर चुके हैं। अब मान के चलिए आप कोई भी एक टी शर्ट प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट कर रहे हैं। अब आप जब टाइटल उसका बनाते हैं या ऑटोमेटिक टाइटल जनरेट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड ऑलरेडी आ जाते हैं, लाइक ब्लैक कलर का टी शर्ट या टी शर्ट कीवर्ड या मेंस टी शर्ट। तो ये कीवर्ड डालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इनपे ऑलरेडी रैंक प्रोडक्ट आपका करेगा। बट आप ये सोचिए कि कीवर्ड को किस तरीके से कस्टमर, और तरीके हैं जिससे कस्टमर सर्च कर सकता है, आप उन चीजों को कीवर्ड्स में ऐड करिए। अब आप एज अ कस्टमर यहाँ पे सोचना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कीवर्ड जो कीवर्ड है टी शर्ट के लिए, टी शर्ट को एक कोई भी कस्टमर क्या बोल के सर्च कर सकता है, तो वो टी शर्ट की बजाय कुछ और भी लिख सकता है। तो वहां पर आपको वो कीवर्ड प्रोडक्ट में डालने होंगे और ऐसे आप 5 कीवर्ड्स डालिए। तो ये रहा पहला तरीका जहां पे आपको जो ऑलरेडी टाइटल में है वो चीज मेंशन नहीं करनी है।
इसके अलावा आपको कीवर्ड में वो कीवर्ड या वो सर्च टर्म डालना है जिसको जनरली कस्टमर सर्च करेगा जब उस प्रोडक्ट के लिए देखने जाएगा। मान के चलिए अभी के टाइम पे आप मान के चलिए एक स्कूल बैग्स में डील कर रहे हैं। अब स्कूल बैग अभी के टाइम में कोई भी सर्च करना चाहेगा तो वो लिखेगा वाटरप्रूफ स्कूल बैग। अब यहाँ पर आप वाटरप्रूफ एक कीवर्ड है जिसको कस्टमर सर्च कर सकता है आपके स्कूल बैग्स के बिकने के लिए, तो वहां पर आप वाटरप्रूफ कीवर्ड को डाल सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर को अलग प्रूफ को अलग मत करिए, वाटरप्रूफ इसको एक साथ रखिए। बहुत सारे सेलर्स का ये भी डाउट होता है कि हमको सेपरेट करने हैं एक ही साथ लिखने हैं, तो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं जहां पर कुछ ना कुछ सेंस प्रोडक्ट का बन जाए। ऐसे आप सिर्फ 5 कीवर्ड रखिए और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डेफिनेटली बूस्ट होने वाली है। तो जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया प्रोडक्ट के लिए देखना चाहता है कस्टमर, आप उसको निकालिए और उससे अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स डालिए। जैसे अगर आप वॉच बेच रहे हैं तो यहाँ पर वाटरप्रूफ एक कीवर्ड हो सकता है, अगेन वाटर रेसिस्टेंस एक कीवर्ड हो सकता है, या स्क्रैच प्रूफ एक कीवर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से ये वाले कीवर्ड्स आपको डालने हैं, नहीं कि वॉच मेंस वॉच, ये तो आप ऑलरेडी आपके टाइटल में पड़ा हुआ है, तो ये डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी दूसरी ट्रिक। थर्ड ट्रिक यहाँ पर आती है कि आपको सिर्फ 5 कीवर्ड्स तक ही यहाँ पे सीमित रहना है। बहुत सारे सेलर का मैं देखता हूँ कि अनलिमिटेड कीवर्ड्स उन्होंने डाले होते हैं, इससे मार्केट प्लेस को प्रोडक्ट को प्लेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और मार्केट प्लेस को खुद समझ नहीं आता कि इस प्रोडक्ट को मैं किस कीवर्ड पे प्लेस करूं। तो ऐसी जगह में मार्केट प्लेस में जब कंफ्यूजन होती है तो वो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया जाता है। इससे बेहतर है कि आप कीवर्ड डालें ही नहीं, तो या तो आप प्रॉपर कीवर्ड डालें या तो कीवर्ड ना डालें। अगर आप गलत तरीके से कीवर्ड्स डाल रहे हैं या जबरदस्ती सारे कीवर्ड ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि सारे जो कीवर्ड्स हैं उनके अंडर मेरा प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसकी बजाय आपका प्रोडक्ट सप्रेस हो जाएगा। तो 5 कीवर्ड्स, वो भी वो जो प्रोडक्ट के फीचर्स हों जिससे आपको लगता है आपके प्रोडक्ट को सर्च किया जा सके। फोर्थ है, आपको कस्टमर बिहेवियर को यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए ये चीज मैं प्रॉपर शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कीवर्ड डालने की जब बारी आती है, देखिए आपकी कैटेगरी के बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हो। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान के चलिए आप एक फोन का केस बेच रहे हो, फोन कवर आप बेच रहे हो, अब आप खुद बताइए मुझे, जब भी आप फोन कवर लेने जाते हैं या आपका कस्टमर जो है वो फोन कवर लेने आता है, तो वो कैसा बिहेवियर उसका रहता है, क्या क्राइटेरिया वो उस फोन कवर में देखना चाहता है? तो हो सकता है वो लॉन्ग लास्टिंग देखना चाहे या वो नॉन ब्रेकेबल देखना चाहे, तो इस टाइप से, या वो ट्रांसपेरेंट देखना चाहे। इन कीवर्ड्स को आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के सिनोनियम्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए हम जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, तो हमें पता है उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली बोलते क्या है, बट जब कस्टमर सर्च करने जाता है तो उसे नहीं पता होता कि उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली बोलते क्या है। तो लोकल लैंग्वेज में उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, आपके इंग्लिश में आपने लिखा हुआ है, हिंदी में उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, कॉमनली उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, किस तरीके से कस्टमर उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, आप उन कीवर्ड्स को भी डाल सकते हैं, तभी आपका प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे रैंक करने के चांसेस बन जाएंगे। एक और मिसकंसेप्शन यहाँ पर होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखता हूँ, वो इस पे वीडियोस बनाते हैं कि आप रॉन्ग स्पेलिंग्स में कीवर्ड्स डालिए। अगर वॉच की स्पेलिंग किसी को नहीं आती है तो वॉच की जगह में कुछ और लिखेगा, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी मत इग्नोर करिए। इसको सिंपल सी चीज है, क्योंकि मार्केट प्लेस का जो एल्गोरिदम होता है वो वर्ड्स को पढ़ना सीख जाता है। आपको अगर वॉच की स्पेलिंग नहीं आती है, आप WTC भी लिखोगे तो वॉच ऑलरेडी आपको बता देगा कि ये वॉच है, तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। तो गलत स्पेलिंग वाला जो कंसेप्ट है उसको आप इग्नोर करें यहाँ पर। सो फाइनल इसमें हम आ जाते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो कीवर्ड डालते समय आप करते हैं, वो गलतियां आपने नहीं करनी है। अगर वो गलतियां करते हैं तो सप्रेस होने के चांसेस आपकी लिस्टिंग ज्यादा है। तो इसको बताने से पहले अगर यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर रेगुलर अपडेट आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरी टीम से अगर आप कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो रिगार्डिंग, तो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई बड़े ब्रांड का नाम यूज ना करें। मैं अगर अपने कोई भी वॉच बेच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मेरी वॉच हर ब्रांड के अंडर में शो हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं वॉच बेच रहा हूं और मैं वहां पे बोट कंपनी का नाम लिख दूं, तो ये एक पॉलिसी का उल्लंघन है और इससे आपकी लिस्टिंग भी सप्रेस हो सकती है, वो तो होगी डेफिनेटली, प्लस आपकी लिस्टिंग ब्लॉक भी हो सकती है। तो कभी भी अदर ब्रांड्स का नाम
अपनी कैटेगरी में यूज ना करें, अपने ब्रांड का नाम भी यूज ना करें। कोई भी ब्रांड का नाम यूज करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है, इससे कोई भी आपकी जो लिस्टिंग है उसकी विजिबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। दूसरा, आपको कोई भी सुपरलेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। बहुत सारे सेलर को मैं देखता हूँ वो ये लिखते हैं कि लेटेस्ट फोन, अगर वो फोन बेच रहे हैं तो लेटेस्ट फोन, या फिर चीपेस्ट फोन, या फिर लाइटेस्ट कोई भी प्रोडक्ट, तो इस टाइप के सुपरलेटिव जो वर्ड्स होते हैं, या सेल, इस टाइप का कुछ भी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। इससे भी आपकी लिस्टिंग जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। और फाइनल वर्ड है, आपको कोई भी प्रमोशनल वर्ड यूज नहीं करने हैं। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते कि 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट या ऑन सेल, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते जो कि प्रमोशनल होते हैं। ऑब्वियसली कस्टमर ऐसे सर्च करता है कि अभी कौन सी सेल चल रही है इस प्रोडक्ट पे, बट आप वो एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। देखिए, आप करोगे तो लिस्टिंग सप्रेस ही होंगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर फायदा आपका नहीं होने वाला। तो इस टाइप से आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। वो एक प्रोडक्ट का कीवर्ड मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, किस टाइप से मैंने इस प्रोडक्ट के 5 कीवर्ड डाले हैं। इनको आप एज अ रेफरेंस लेके अपने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।